हेलो दोस्तों, क्या आपको सीखना है कि तीन तरह का एग किस तरह से बनाते हैं? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपको आर्ट करना नहीं आ रहा, या आपको मदद की जरूरत है? सो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्केच ड्रॉ कर दिया है एग का, और आज जैसे कि ऑयल पेस्टल का है वीडियो, तो हम ऑयल पेस्टल करने वाले हैं। और यहाँ मैंने एक ब्राउन कलर का ऑयल पेस्टल लिया है और उसे मैंने कलर किया है उससे, और उसके बाद मैंने व्हाइट से हाईलाइट कर दिया। ये सेकेंड वाला जो ऑयल पेस्टल है उसका जो शेल था वो व्हाइट कलर का था, इसीलिए मैंने इसमें व्हाइट कलर किया है। और उसे सेम जो फर्स्ट नंबर की मेथड से मैं कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर दे रही हूँ, और उसके ऊपर ही मैं ग्रे कलर का ऑयल पेस्टल रे रही हूँ और उसके ऊपर ही स्मज कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ मैं कॉटन बर्ड की मदद से। उसके बाद मुझे यॉक बनाना है। यॉक बनाने के लिए मैंने अपने रेफरेंस पिक्चर की तरीके मदद से जो भी मेरा यॉक का कलर है उसके हिसाब से मैंने कलर चॉइस किया। जहाँ आप देख सकते हो यहाँ मैंने ऑरेंज और येलो चॉइस किया था। उसके बाद मैंने शेडो क्रिएट कर दिया। शेडो क्रिएट करने के बाद मेरा थर्ड नंबर का ड्राइंग की बारी आती है। सब देख सकते हो यहाँ मैंने आउटलाइन कर लिया है अपना, और जो भी रिमेनिंग थोड़ा प्रॉब्लम्स था वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। और फिर मैं यहाँ उसका एग शेल बना रही हूँ। अब ये एग जो है वो व्हाइट कलर का नहीं है, वो ब्राउन एग है। तो ब्राउन एग बनाने के लिए हमें ब्राउन कलर की ज़रूरत पड़ेगी, सो मैंने ब्राउन कलर कर दिया। और जो भी मैं रेफरेंस पिक्चर के नीड के मदद से, आप भी अपने रेफरेंस पिक्चर के नीड के मदद से अपने कलर्स चॉइस कर सकते हो, और यहाँ मैंने अपने कलर्स चॉइस किए थे और उसके हिसाब से मैंने बनाए। और इस सब को मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा, सो मैं ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बर्ड के मदद से। जैसे ऑयल पेस्टल को हमेशा कॉटन बर्ड के मदद से ब्लेंड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जिसका भी लार्ज एरिया होता है वो आप टिश्यू पेपर से भी ब्लेंड कर सकते हो, या तो ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस तरह से मैंने अलग अलग कलर लेके, वापस रेड कलर लेके मैंने अपना ब्लेंडिंग कर लिया। और यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप सोचोगे कि हाईलाइट किस चीज़ से मैंने किया हो, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछना पड़ेगा। और यहाँ मैंने हाईलाइट कर लिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हाईलाइट करने के बाद मैं पेंसिल के मदद से इसमें जो भी शेडो पार्ट है वो मैं क्रिएट कर दे रही हूँ और शेड कर दे रही हूँ। और ये मेरा ऑलमोस्ट जो भी डिटेल्स देना था वो फिनिशिंग कंप्लीट हो चुका है, और हमारा तीन टाइप्स के एग रेडी है। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत किया है ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ प्लीज़ आप में सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।